ये सब किया धरा अनुपम का ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है प्रिया, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूं, जिस आदमी की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, अपनों को बुरा भला कहा, किसी की परवाह नहीं की, और वही आदमी ने, उसने तो अपना सही रंग तभी दिखा दिया था जब तुम्हें प्रेग्नेंट करने के बाद भाग खड़ा हुआ था वो। प्रिया तुम्हें तभी सचेत हो जाना चाहिए था। आप ठीक कह रही है भाभी, मगर तब तक वो मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली थी, और इस समाज में बच्चे के बाप का नाम चाहिए होता तो आप ही बताइए मैं क्या करती। अनुपम ने हमारी मजबूरी को हमारी कमजोरी समझ लिया। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मम्मी जी को, धीरे धीरे मम्मा को सब एक्सेप्ट कर रहे थे, मगर उसने पता नहीं ऊपर वाले के दिल में क्या है, आज उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। अब क्या लेने आए तुम, क्या चाहिए तुम्हें, खुशी मिल गई ना तुम्हें? प्रिया मेरी बात तो सुनो। बस निकल जाओ तुम यहां से, अब किसे जहर देने आए हो तुम? मम्मी के साथ साथ मुझे और मुन्ना को भी जहर दे देना था ना, कम से कम ये सब देखने और सुनने को तो नहीं मिलता। कहीं को नहीं छोड़ा मुझे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। प्रिया प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज, गेट लॉस्ट। Oh,